हाँ सर, जिसके लहू में देश सुना से रवा उठी और वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था। करगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला ये भी दुश्मनों की गोली से घायल तो हो गया था, लेकिन उसने मौत को अपने जज्बे से परास्त कर ये दिखा दिया कि देश सेवा कभी मरता नहीं, उसका पुनर्जन्म होता है। ऐसा योद्धा मौत से लड़ते लड़ को
लेकिन ये सब करने के लिए टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए किशन जी का जोरदार ऐसे छोटे छोटे बच्चों को वो शिक्षा देते हैं और ये माता जी जो है वो सबकी देखभाल करती हैं। उन लोगों को थोड़ा सा भी ये नहीं है कि जलो, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं है, हम सबसे पहले ये है वो है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिन स्वार्थ से करते हैं। हम लोग स्वार्थी है, है कि नहीं? जय है कि नहीं? हाँ, ये लोग बिल्कुल स्वार्थी नहीं है, बस जहाँ बोलेंगे वो करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते। हम यहाँ आए हैं तो कहते हैं हाँ थोड़े टाइम आते हैं इनको लोग दे देंगे, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन जो अपने दिल और जान से सेवा करते हैं, और ये भाई साहब किशन भाई साहब तो देश के लिए इन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है, और आज की तारीख में रास्ते पे जो लाभान्वित लोग हैं उनको भी लेकर यहाँ पे अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और अच्छी तरह से उनका देखभाल करते हैं। इतना ही नहीं, हम खुद के घर में कोई मुसीबत में होगा जहाँ तो हॉस्पिटल होगा तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन ये उन लोगों को हॉस्पिटल में रख के ही इतनी सारवार करते हैं, देखते बस ही रहते हैं, बस ही रहते हैं, फिर भी वो खाना सबके लिए बना के गए वो दिन। इनकी वाइफ जो है कहते थे तेरी राह में, फिर भी ये काम करती है, नजरों को हम छांगे, जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया, जाती हुई बाहर में, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको तुमको न भूल पाएंगे। Thank you.
Shine, this is